नमस्कार, मैं हूँ शायस्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं अमर उजाला। महिलाओं को अनेक तरह की ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके बारे में महिलाओं को पता ही नहीं होता। उनमें से एक है फाइब्रोमाइलेशिया। अब ये बीमारी क्या है, पहले आपको मैं ये बता देती हूँ। फाइब्रोमाइलेशिया एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर को खोखला कर देती है। इस बीमारी को आप स्लो पॉइजन भी कह सकते हैं। इसमें सामान्य थकान और पीड़ा, शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द महसूस होने लगता है। इस बीमारी को पहचानना बेहद ही मुश्किल है। अब बताते हैं कैसे पहचाने इस बीमारी को, क्या होते हैं फाइब्रोमाइलेशिया के लक्षण। रात को अच्छी नींद लेने के बाद भी थकावट होना, सिर दर्द और शरीर में दर्द, उदासी या बार बार चिंताओं की भावनाएं आना, शरीर में टूटन महसूस होना, काम में मन न लगना, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, पाचन जैसी समस्याएं इस बीमारी के सिम्टम्स हैं। वहीं जिन लोगों को गहरे तनाव या आघात का सामना करना पड़ता है उनमें फाइब्रोमाइलेशिया विकसित हो सकती है और इसमें अनुवांशिक की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये बीमारी आपकी लाइफ और आपके परिवार को भी प्रभावित करती है। अब आपको बताते हैं कैसे, क्योंकि बीमारी से पीड़ित महिलाओं को शरीर में दर्द और थकान के चलते आसानी से नियमित गतिविधियों को कर पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। इसमें तनाव होने के साथ साथ आपके आत्मसम्मान में भी कमी आती है। जो लोग ऐसी बीमारियों से पीड़ित होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे लोगों से अक्सर उनके रिश्ते अलग होते चले जाते हैं। फाइब्रोमाइलेशिया का निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक आधार है। एक व्यक्ति दर्द का अनुभव करता है जो कि चोटों की तरह बाहरी रूप में दिखाई नहीं देता, लेकिन दर्द वास्तविक गंभीर या कभी कभी असहनीय भी हो सकता है। यहाँ तक कि बिस्तर से बाहर निकलना भी एक बड़ा काम हो सकता है ऐसे व्यक्ति के लिए। 10 में से 9 मामलों में फाइब्रोमाइलेशिया की पहचान करना बेहद ही मुश्किल है। अब आपको बता देते हैं फाइब्रोमाइलेशिया से कैसे करें खुद की देखभाल। फाइब्रोमाइलेशिया के लिए कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन उपचार से लक्षणों को संभालने और दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है। यदि जांच में इस बीमारी की पुष्टि होती है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जिसमें डॉक्टर उपचार के साथ साथ आपकी जीवन शैली में भी थोड़ा बदलाव के बारे में बताएंगे। तनाव से मुकाबला करने के लिए थेरेपी से बेहतर साधन कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी परिस्थितियों से दूरी बनाएं जो आपको तनाव की तरफ ले जा रही है। संतुलित भोजन लें, आपको सहारा देने वाले दोस्तों और परिवार के लोगों की पहचान करें, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं। गहरी नींद का अभ्यास करें। अपने आप को गैजेट से दूर रखें, अपने फोन्स और इस तरह के गैजेट से रात को सोते समय दूरी बनाए रखें। स्वस्थ रहें और देखते रहें अमर उजाला.com।